ready one ready one two three four janjani janakte ne janjani janakte ne sagar ji sagar ji sagar ha kardina ha aaye me afzal ahmed ne boli chauka saaf diye and dekhe je pala kyon kyon आपके भाई को भाई ने बुलाया कराची हैज बिन डन कौन से भाई ने बुलाया वो छोटे भाई नहीं अपना चौरी अब्दुल सत्तार फारूक साहब कौन भाई ने आपको बुला लिया भाई पहले भी मुझे कई दफा बुलाया है अच्छा लेकिन मैं वहां जाता नहीं था पूछे क्यों क्यों क्योंकि वहां तीन चार मसाइल है मेरे साथ अब फारूक सत्तार साहब ने मुझे गारंटी दिया कि डोंट वरी कम टू द कराची किस चीज की गारंटी दी है पहले जरा मैं डरूंगा सी ना पपरियां बड़ियां लेन देन ना अब उन्होंने गारंटी दी है कि वो पप्पी वाले जमाने खत्म हो गए हैं अच्छा अब तुम आओ हमारे पास सिक्योरिटी का काम करो कराची सेफ हो गया है ओ इसलिए मैं जा रहा हूं मैंने कहा आपको मिलता हुआ जाऊं ताकि वापसी का किराया आप मुझे दे दें फारूक भाई ने बुलाया वो देंगे वो भाईजान वो तो दे देंगे तो राज किसी ने कट भी तो लेना ना उसे कोई मेरे से गन रख के कभी पैसे काट मोबाइल काट तो मैं उसे पैदल आवांगा आप पुलिस वाले हैं वो पुलिस वाले हैं उसे कोई नहीं पहचान दे पुलिस वाले यार क्या तुम बातें करी जा रहे हो और मैं एक मिनट एक पहले इसकी क्लेरिफिकेशन ले लो कि तुम्हें फारूक भाई ने वाकई बुलाया कि नहीं बुलाया फोन करके पता कर रहा है मेरे को उन्होंने नंबर है कितने गया ये रहा वो पेंट में पाई हुई आ फोन है मैं तो मैसेज करा देना मैसेज नहीं उनके नुमाइंदे बैठे उनसे पूछ लेता हूँ माशाल्लाह सलमान शाह साहब नहीं बड़े बड़े सिंगर ने ये वो नहीं है ये नहीं अपना एमकेएम ने तलक है बिल्कुल फिर वेखे पहचान लिया कि नहीं हाँ। तेरा भाई है चौकस तरीन आदमी बिल्कुल सलमान खान साहब बिल्कुल इनका जुमला बड़ा मशहूर है कौन सा मुझे मार से डर नहीं लगता साहब मुझे पप्पी से डर लगता है इन्हों से जुमला है ना फिल्म नहीं काम करते इंडिया ये वो वाले सलमान खान नहीं है ओ कराची वाले ने हाँ। बलोच ने हाँ। अपना सलमान शाहिद बलोच साहब बिल्कुल तुसी मैंने बेवकूफ समझ दियो हाँ जी हाँ जी हाँ जी, जी। एडे बसूक नाल कह रहे हो सर असि कसम खा के कह सकते आप उनको छोड़िए आप उनसे सर ये कह रहे हैं कि इनको फारूक भाई का फोन आया है तो आपको लगता है कि आया होगा अनऑफिशियली और ऑफिशियली अनऑफिशियली सर देखो कैसे समझदार आदमी ने ते अपना मैडम भी नाल ही ने किन के साथ है भाई जन सियासी लीडर ने कोई ये आपको सियासी लीडर लग रही है नहीं आजकल ये सुननी है कुड़ियां आ रही है ना मैं देखा पीटीआई दे ज्यादातर कुड़ियां ऐसे सहज नहीं होंगी आपको पीटीआई की वोटर लग रही है हाँ शर्मिला फारूकी साहब नहीं ये पर दो मैं कह रहा नहीं ये अपना मारवी मेमन इमरान वाडिया साहब वो फैसल वाडा था वो फैसल वाडिया साहब आपको लग रहा है इनमें से ये फैसल वाडा हो सकती है नहीं मैंने लगता कोई मॉडल है मॉडल बिल्कुल है मॉडल है ना हाँ। मने फिर हाँ। ओए ओए लेकिन तेन ये नहीं पता भी केड़े सन दी मॉडल है ये तो वही बता सकते हैं ये तो बच्ची है 15 20 साल दी होनी ज्यादा से ज्यादा उन्होंने वोट डाला है 2013 में वोट पाया ने हां जी वो शेर नु तो नहीं पा देता ने हां जी अब देखिया जे तुसी जे नु मर्जी पाओ निकलना शेर दा ही है लो किने कराची दे विच एमकेएम दा वोट निकलदा इस तरह पूरे पंजाब दे विच जिन्नू मर्जी वोट पाओ ओ बबर शेर दे निकलता अच्छा जी ते अपना ओ की नाम दसया ने माही ना ही एडा सोना माशाल्लाह सेल्फी दी इजाजत है बड़ी मेहरबानी भाई होरां नाल मैं बनानी है थैंक यू सर मेरी वाइफ दा जेड़ा फेवरेट अदाकार है ना जी ओ तुसी हो ते वेखो ना अल्लाह दी मेहरबानी कैसी हुई मर भी ते गई ना ओके सी यू अच्छा तो आपकी पसंद की मंगनी थी या नहीं मेरी पसंद की वो भी इसी फील्ड से मॉडल वगैरह हैं मॉडल तो हैं लेकिन साथ में वो सीए कर रहे हैं उन्होंने तो मनीष चेंज का कारोबार है जी सर एक्चुअली बिकॉज वो सीए कर रहे हैं तो इसलिए इतना टाइम नहीं उनको मिलता तो जस्ट फैशन शो वगैरह ही वो करते हैं सीए कर रहे हैं चार्टर्ड अकाउंटेंट जी बिल्कुल ये तो बड़ी मुश्किल चीज होती है बस तो ये आपने हिसाब किताब रखने के लिए खास तौर पर उनका इंतखाब किया नहीं मैंने नहीं किया उन्होंने मेरा इंतखाब दूर ही तुम रहना कि पेंसिल समय के धरना नहीं लिखना पड़ दूर ही रहना कोर्स ही इतना मुश्किल हो करेगा तो शादी होगी ना नहीं नहीं उनके दो पेपर रह गए हैं अच्छा मैं मतलब उनकी दूसरी शादी है दो पेपर रह गए हैं बेटे या अल्लाह दो पेपर रह गए या कंपाउंड ही आनी चाहिए है अल्लाह
हासिद लोग आपको मिलते हैं? काफी दुनिया। अच्छा, काफी दुनिया, काफी दुनिया फैंस आपके हैं इतने जो कि आपको इस तरह? एक्चुअली सबको पता है, जितने भी फील्ड के लोग हैं, तो अगर कुछ कुछ सोचता भी है तो वो कहता ही नहीं है, बिकॉज उसे पता होता है कि साथ ही है इसके कुछ ना कुछ हो जाएगी बात। अच्छा, मतलब अगर हम किसी इवेंट वगैरह पे या कहीं जाते हैं तो हम लोग साथ में ही होते हैं। आपने मेरा दिल तोड़ दिया, पैन मैं कराची लाए हम तुम। क्यों सुनाना इनको, हो सकता है कोई इनका एमकेएम के अंदर कोई कोई कॉमेडी विंग है एमकेएम पाकिस्तान का? मैं नारे बहुत अच्छे लाना है। नहीं, एमकेएम में कोई कॉमेडी विंग तो नहीं है। अच्छा, वो अब लंदन में चला गया। इनको मैं जो मेरा हल्का है वहाँ कोई छोटी मोटी नौकरी पोर्ट एंड शिपिंग में दिलवा देता हूँ। अच्छा, पोर्ट एंड शिपिंग में? हल्के से नहीं जाना, मेरे हल्के वादे जाने जाए सारे। अरे यार, ये नई वाली। वैसे सर ये बताया कि अभी कभी होता है आप लोगों का लंदन वंदन चक्कर लगता है? नहीं सर, देखें टू बी ऑन सीरियस नोट, जब 22 अगस्त की वो स्पीच हुई, 22 अगस्त में जब वो नारा लगा पाकिस्तान का, वी हैव डिसाइडेड अंडर द लीडरशिप ऑफ डॉक्टर फारूक सत्तार भाई कि हम 22 अगस्त की पॉलिसी के साथ नहीं खड़े, और हमने अपनी राह को अलग किया, और अब हम 23 अगस्त की पॉलिसी के साथ खड़े। हमने अपने आप को डिट्रैक किया है वहां से, डिस्कनेक्ट किया है वहां से। अब हमारा ना कोई वास्ता, ना कोई लेना, ना कोई देना। नहीं, मगर वैसे क्योंकि आप लोग पहले माशाल्लाह सारे जाया करते थे और इतना लगातार और इतना आना जाना था आपका लंदन, तो अब कभी होता है जब लंदन जाते हो तो खुद ही कदम जो है वो गलती से वहां मुड़ने लगते हो? इत्तेफाक की बात है कि मेरे ख्याल में 22 अगस्त के बाद 23 अगस्त की जब से प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, मेरे ख्याल में शायद कोई भी नहीं गया, क्योंकि हम अपने मसाइल में अभी तक इतना उलझे हुए हैं कि अभी तक हम अपनी चीजों को रेस्क्यू कर रहे हैं, क्योंकि अभी तक हमें पॉलिटिकल स्पेस नहीं दिया जा रहा। अच्छा। मतलब जो लोग 22 अगस्त की पॉलिसी के खिलाफ खड़े हैं उनको ही 22 अगस्त की FIR के अंदर जो है वो गिरफ्तार करने की कोशिश की जा रही है, तो हम तो उसके खिलाफ खड़े हो गए। हमें तो ये रिलीफ मिलना चाहिए, क्यों नहीं मिल रहा हमें? जब तक आप MQM पाकिस्तान को पॉलिटिकल आजादी नहीं देंगे, पॉलिटिकल स्पेस नहीं देंगे अर्बन सिंध में, तो फिर पॉलिटिक्स हम कैसे कर पाएंगे? हमारे दफातर सील हैं, हमारे कारकुनान आज भी गिरफ्तार हो रहे हैं, आज भी हमारे टाउन ऑर्गेनाइजर, UC ऑर्गेनाइजर गिरफ्तार हो रहे हैं, तो व्हाट इज दिस? फिर आप एक फैसला कर लें। आज हमें तो कोई याद नहीं आ रहा, लेकिन मुखालफिन को बहुत से लोग याद आ रहे हैं। तो हम ये समझते हैं कि MQM पाकिस्तान एक रियलिटी है इस मुल्क पाकिस्तान की और सिंध की, कराची की। इन केस अगर आप ये समझते हैं कि कोई छोटी मोटी जमात आके कराची के मैंडेट को हासिल कर सकती है, वो तो शायद ख्वाबों की अहमकों की जन्नत में रहते हैं, ख्वाब गफलत में। वैसे छोटी मोटी जमात आपके ख्याल में कौन? पीपल्स पार्टी की बात कर रहे हैं? PSP के हवाले से वो मुस्तफा कमाल साहब वाली पार्टी। हाँ, वो पार्टी उसको कहें या ना कहें आपकी मर्जी, लेकिन हम तो उसे सर, अगर हम शेख रशीद साहब की पार्टी को पार्टी कह सकते हैं एक बंदे पे, तो उनके तो फिर 4-5 है। चलें सर, आपकी मर्जी, आप कहें। भाई इनकी बात लंबी है, हम आइसक्रीम खाने चले। मैं देखें 4 साल लाहौर में गुजार चुका हूँ, मुझे पता है कि अच्छी आइसक्रीम जो है हाल रोड पे मिलती है, मैं आपको वहां लेके चलता हूँ। काटना जाके मैं बर्फ वाला गोला नहीं खाना। अफसोस की बात है, एक तरफ एक खातून है जो कि आपको जरा भी एक बिल्कुल लिफ्ट नहीं करा रही, और एक तरफ वो बेचारे कराची से मेहमान आए जो आपको कह रहे हैं कि मैं खिलाऊंगा। सर उन्होंने प्यार से मुझे धमकी लग रही। यार क्या हो गया है, ट्राई तो करके देखो। नहीं नहीं, उनका मौका, लेकिन ये एक नई MQM है। मैं आपको टिकट भी देने को तैयार हूँ, वापसी का भी, आने जाने का भी, मेरी पूरी गारंटी। आप जैसे जाएंगे उसी तरह वापस आएंगे। सर आपकी मोहब्बत है पर मैंने नहीं जाना। पूरी पिछली एक कहानी, तारों में थी बस रवानी, था दरियाओं में भी पानी, हम की बातें सिर्फ कहानी, किसकी है ये कारस्तानी, याद दिला दी हमको नानी। हाय की कहंदे हो, मैं आपके सामने लाजवाब हूं सरकार, मैं केड़ा लंदनों बोलन दे। Ready 1, 2, 3, 4 जानी जना कर दिन, जानी जना कर दिन, सागर जी तागर जी तागर आ कर दिन ना आ आए मियां अफजल ने गोली चौथा साफ दी है। देखे जे पला क्यों? क्यों आपके भाई को भाई ने बुलाया, कराची हैज बिन डन। कौन से भाई ने बुलाया? वो छोटे भाई नहीं अपना, चौरी अब्दुल सत्तार फारूक साहब। फारूक सत्तार साहब? हाँ, फारूक सत्तार साहब। उन भाई ने आपको क्यों बुला लिया? भाई पहले भी मुझे कई दफा बुलाया है। अच्छा, लेकिन मैं वहां जाता नहीं था। पूछे क्यों? क्यों? क्योंकि वहां 3-4 मसाइल है मेरे साथ। आप फारूक सत्तार साहब ने मुझे गारंटी दिया कि डोंट वरी कम टू द कराची। किस चीज की गारंटी दी है? पहले जरा मैं डारूंगा सी ना, पपड़ियां बड़ियां लेन देना।
अब उन्होंने गारंटी दी है कि वो पप्पी वाले जमाने खत्म हो गए हैं। अच्छा, अब तुम आओ हमारे पास, सिक्योरिटी का काम करो, कराची सेफ हो गया है। ओ, इसलिए मैं जा रहा हूँ। मैंने कहा आपको मिलता हुआ जाऊं ताकि वापसी का किराया आप मुझे दे दें। देखो फारूक भाई ने बुलाया, वो देंगे। ओ भाई जान, वो तो दे देंगे, तो राह चुके से कट भी तो लेना ना। उतो कोई मेरे गन रख के कभी पैसे कट मोबाइल कट, तो मैं उतो पैदल आवांगा। हाँ, पुलिस वाले हैं। ओ पुलिस वाले हैं, उतो कोई नहीं पहचान दे पुलिस वाले। यार क्या तुम बातें करी जा रहे हो? और मैं एक मिनट, एक पहले इसकी क्लेरिफिकेशन ले लूं कि तुम्हें फारूक भाई ने वाकई बुलाया कि नहीं बुलाया? फोन करके पता कर रहा है, मेरे को उन्होंने नंबर है। कितने गया? ये रहा। ओ पेंट में पाई हुई आ, फोन है चाहे, मैं तुम्हें मैसेज करा देना। मैसेज नहीं, उनके नुमाइंदे बैठे हैं, उनसे पूछ लेता हूं। ओ माशाल्लाह, सलमान शाहिद साहब? नहीं, बड़े बड़े सिंगर ने। ये वो नहीं है? ये नहीं, अपना एमकेएम ने तलक है। बिल्कुल, फिर वेखे पहचान लिया कि नहीं। हाँ। तेरा भाई है चौकस तरीन आदमी। बिल्कुल, सलमान खान साहब। बिल्कुल, इनका जुमला बड़ा मशहूर है। कौन सा? मुझे मार से डर नहीं लगता साहब, मुझे पप्पी से डर लगता है। इन्होंने जुमला है ना, फिल्म नहीं काम करते इंडिया। ये वो वाले सलमान खान नहीं है। ओ कराची वाले ने। हाँ। बलोच ने। हाँ। अपना सलमान शाहिद बलोच साहब। बिल्कुल, तुसी मैंने बेवकूफ समझ दियो। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, जी, जी। एडे बसूक नाल कह रहे हो? सर असि कसम खा के कह सकते। आप उनको छोड़िए, आप उनसे सर ये कह रहे हैं कि इनको फारूक भाई का फोन आया है, तो आपको लगता है कि आया होगा? अनऑफिशियली और ऑफिशियली? अनऑफिशियली सर, बिकॉज कैसे समझदार आदमी ने। ते अपना मैडम भी नाल ही ने। किन के साथ है भाई जन? सियासी लीडर ने कोई? ये आपको सियासी लीडर लग रही है? नहीं, आजकल ये सुननी है कुड़ियां आ रही है ना, मैं देखे पीटीआई दे ज्यादातर कुड़ियां ऐसे सहज नहीं होंगी। आपको पीटीआई की वोटर लग रही है? हाँ, शर्मिला फारूकी साहब। नहीं, कोई मैं कह रहा नहीं, ये अपना मारवी मेमन। इमरान वाडिया साहब, फैसल वाडा था वो। फैसल वाडिया साहब, आपको लग रहा है इनमें से ये फैसल वाडा हो सकती है? नहीं, मैंने लगता कोई मॉडल है। मॉडल बिल्कुल है, मॉडल है ना। हाँ। मने फिर। हाँ। ओए ओए, लेकिन तेन ये नहीं पता भी केड़े सन की मॉडल है। ये तो वही बता सकती है। ये तो बच्ची है, 15-20 साल की होनी ज्यादा से ज्यादा। उन्होंने वोट डाला है 2013 में। वोट पाया ने? हाँ जी। वो शेर नु तो नहीं पा दिता ने? हाँ जी। अब वेख्या जे तुसी जे नु मर्जी पाओ निकलना शेर दे ही। लो किने कराची दे विच एमकेएम दा वोट निकलदा, इस तरह पूरे पंजाब दे विच जिन्नू मर्जी वोट पाओ ओ बबर शेर दे निकलदा। अच्छा जी। ते अपना ओ की नाम दसिया ने? माही। नाम ही एडा सोहना, माशाल्लाह। सेल्फी दी इजाजत है जी? बड़ी मेहरबानी भाई होरां नाल मैं बनानी है। थैंक यू सर। मेरी वाइफ का जिहड़ा फेवरेट अदाकार है ना जी। हाँ। ओ तुसी हो। ते वेखो ना अल्लाह दी मेहरबानी कैसी हुई, मर भी तो गई ना। ओके, सी यू। अच्छा, तो आपकी पसंद की मंगनी थी या नहीं? मेरी पसंद की। वो भी इसी फील्ड से मॉडल वगैरह हैं? मॉडल तो हैं, लेकिन साथ में वो सीए कर रहे हैं। उन्होंने मनी एक्सचेंज का कारोबार है जी सर। एक्चुअली बिकॉज वो सीए कर रहे हैं, तो इसलिए इतना टाइम नहीं उनको मिलता, तो जस्ट फैशन शो वगैरह ही वो करते हैं। सीए कर रहे हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट? जी बिल्कुल। ये तो बड़ी मुश्किल चीज होती है। बस तो ये आपने हिसाब किताब रखने के लिए खास तौर पर उनका इंतखाब किया? नहीं, मैंने नहीं किया, उन्होंने मेरा इंतखाब। दूर ही तुसी रहना, कितने तुहानू पेंसिल समझ के धाना नहीं लिखना पैण। दूर ही रहना, कोर्स ही इतना मुश्किल हो करेगा तो शादी होएगी ना? नहीं नहीं, उनके दो पेपर रह गए बस। अच्छा, मैं क्या मतलब उनकी दूसरी शादी है? दो पेपर रह गए हैं बेटे। या अल्लाह, दो पेपर रह गए या कंपाउंड ही आनी चाहिए है। खासित लोग आपको मिलते हैं? काफी दुनिया। अच्छा, काफी दुनिया है? काफी दुनिया। फैंस आपके हैं इतने जो कि आपको इस तरह? एक्चुअली सबको पता है, जितने भी फील्ड के लोग हैं, तो अगर कुछ कुछ सोचता भी है तो वो कहता ही नहीं है, बिकॉज उसे पता होता है कि साथ ही है इसके, कुछ ना कुछ हो जाएगी बात। अच्छा, मतलब अगर हम किसी इवेंट वगैरह पे या कहीं जाते हैं तो हम लोग साथ में ही होते हैं। आपने मेरा दिल तोड़ दिया, पॉइंट मैंने कराची लाए हम तुझे। क्यों सलमान, इनको हो सकता है कोई इनका एमकेएम के अंदर कोई कॉमेडी विंग है एमकेएम पाकिस्तान का? मैं नारे बहुत अच्छे लाना है। नहीं, एमकेएम में कोई कॉमेडी विंग तो नहीं है। अच्छा, वो लंदन में चला गया। इनको मैं जो मेरा हल्का है वहाँ कोई छोटी मोटी नौकरी पोर्ट एंड शिपिंग में दिलवा देता हूँ। अच्छा, पोर्ट एंड शिपिंग में? साढ़े हल्के से नहीं जाना, मेरे हल्के बाद जाने जाए सारे। अरे यार, ये नई वाली। वैसे सर ये बताया कि अभी कभी होता है आप लोगों का लंदन वंदन चक्कर लगता है? नहीं सर, देखें टू बी ऑन सीरियस नोट, जब 22 अगस्त की वो स्पीच हुई, 22 अगस्त में जब वो नारा लगा पाकिस्तान का, वी हैव डिसाइडेड अंडर द लीडरशिप ऑफ डॉक्टर फारूक सत्तार भाई के हम 22 अगस्त की पॉलिसी के साथ नहीं खड़े, और हमने अपनी राह को अलग किया
और अब हम 23 अगस्त की पॉलिसी के साथ खड़े, हमने अपने आप को डिट्रैक्ट किया है वहां से, डिस्कनेक्ट किया है वहां से, अब हमारा ना कोई वास्ता, ना कोई लेना, ना कोई देना। नहीं, मगर वैसे क्योंकि आप लोग पहले माशाल्लाह सारे जाया करते थे और इतना लगातार और इतना आना जाना था आपका लंदन, तो अब कभी होता है जब लंदन जाते हो तो खुद ही कदम जो है वो गलती से वहां मुड़ने लगते हो? इत्तेफाक की बात है कि मेरे ख्याल में 22 अगस्त के बाद 23 अगस्त की जब से प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, मेरे ख्याल में शायद कोई भी नहीं गया, क्योंकि हम अपने मसाइल में अभी तक इतना उलझे हुए हैं कि अभी तक हम अपनी चीजों को रेस्क्यू कर रहे हैं, क्योंकि अभी तक हमें पॉलिटिकल स्पेस नहीं दिया जा रहा। अच्छा। मतलब जो लोग 22 अगस्त की पॉलिसी के खिलाफ खड़े हैं उनको ही 22 अगस्त की FIR के अंदर जो है वो गिरफ्तार करने की कोशिश की जा रही है, तो हम तो उसके खिलाफ खड़े हो गए, हमें तो ये रिलीफ मिलना चाहिए, क्यों नहीं मिल रहा हमें? जब तक आप MQM पाकिस्तान को पॉलिटिकल आजादी नहीं देंगे, पॉलिटिकल स्पेस नहीं देंगे अर्बन सिंध में, तो फिर पॉलिटिक्स हम कैसे कर पाएंगे? हमारे दफातर सीलें, हमारे कारकुनान आज भी गिरफ्तार हो रहे हैं, आज भी हमारे टाउन ऑर्गेनाइजर, UC ऑर्गेनाइजर गिरफ्तार हो रहे हैं, तो व्हाट इज दिस? फिर आप एक फैसला कर लें। आज हमें तो कोई याद नहीं आ रहा, लेकिन मुखालफिन को बहुत से लोग याद आ रहे हैं, तो हम ये समझते हैं कि MQM पाकिस्तान एक रियलिटी है इस मुल्क पाकिस्तान की और सिंध की, कराची की। इन केस अगर आप ये समझते हैं कि कोई छोटी मोटी जमात आके कराची के मैंडेट को हासिल कर सकती है, वो तो शायद ख्वाबों की अहमकों की जन्नत में रहते हैं, ख्वाब गफलत में। वैसे छोटी मोटी जमात आपके ख्याल में कौन? पीपल्स पार्टी की बात कर रहे हैं? PSP के हवाले से वो पार्टी, हाँ वो पार्टी उसको कहें या ना कहें आपकी मर्जी, लेकिन हम तो उसे सर, अगर हम शेख रशीद साहब की पार्टी को पार्टी कह सकते हैं एक बंदे पे, तो उनके तो फिर 4-5 हैं। चलें सर, आपकी मर्जी, आप कहें तो भाई इनकी बात लंबी है, हम आइसक्रीम खाने चले। मैं देखें 4 साल लाहौर में गुजार चुका हूँ, मुझे पता है कि अच्छी आइसक्रीम जो है हाल रोड पे मिलती है, मैं आपको वहां लेके चलता हूँ। अगला जाके मैं बर्फ वाला गोला नहीं खाना। अफसोस की बात है, एक तरफ एक खातून है जो कि आपको जरा भी एक बिल्कुल लिफ्ट नहीं करा रही, और एक तरफ वो बेचारे कराची से मेहमान आए हैं जो आपको कह रहे हैं कि मैं खिलाऊंगा। सर उन्होंने तो प्यार से मुझे धमकी लग रही। यार क्या हो गया है, ट्राई तो करके देखो। नहीं नहीं, उनका मौका था, लेकिन ये एक नई MQM है। मैं आपको टिकट भी देने को तैयार हूँ, वापसी का भी, आने जाने का भी, मेरी पूरी गारंटी, आप जैसे जाएंगे उसी तरह वापस आएंगे। सर आपकी मोहब्बत है पर मैंने नहीं जाना। पिछली एक कहानी तारों में थी बस रवानी, था दरियाओं में भी पानी, हम की बातें सिर्फ कहानी, इसकी है ये कारस्तानी, याद दिला दी हमको नानी। हाय की कहंदे हो, मैं आपके सामने लाजवाब हूं सरकार, मैं केड़ा लंदनों बोलन दे।